भंडारा नगर पालिका के डंपिंग यार्ड में पकड़ी गई बिजली चोरी। भंडारा महावितरण की कार्रवाई से मचा हड़कंप। नगर पालिका के जमनी स्थित डंपिंग यार्ड में बिजली चोरी का गंभीर मामला सामने आया है। ऐसे में भंडारा महावितरण के अधिकारियों ने इस बिजली चोरी को पकड़ लिया। 48 घंटे के अंदर जुर्माना अदा करने का आदेश जारी किया गया है। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। भंडारा वर्ठी मार्ग पर जमनी में भंडारा नगर पालिका का डंपिंग यार्ड है। यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है और इसके लिए चोरी के बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है। नगर परिषद भंडारा ने यह ठेके से दिया था। महावितरण के अधिकारी दोपहर में डंपिंग यार्ड में रीडिंग लेने गए तो उन्हें चोरी का पता चला। जब यह बात सामने आई तो तार बिछाकर उक्त निर्माण के लिए बिजली चोरी की जा रही है तो महावितरण के अधिकारियों ने इसे पकड़ लिया। कंपनी के सुपरवाइजर संजय पटेल को 48 घंटे के भीतर जुर्माना भरने का आदेश दिया है। यह राशि नहीं देने पर महावितरण के अधिकारियों ने बिजली चोरी के मामले में उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई किए जाने के संकेत दिए है। इसी बीच इस बिजली चोरी के प्रयुक्त 600 फीट केबल को महावितरण ने जब्त कर लिया है। हालांकि नगर परिषद ने यह ठेके से दिया था और यह बिजली चोरी में नगर परिषद कोई संबंध ना होने की बात सामने आई है। डंपिंग यार्ड इथे डायरेक्ट हुक टाकून चोरी आढळलेली होती। त्या ठिकाणी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी आहे ज्यांचा सुपरवायझर संजय पटेल आहे, त्यांनी डायरेक्ट आपोला टाकून वीज चोरी करायचे असल्याचे दिसून आले। तर त्या ठिकाणी आपण महावितरणतर्फे चोरी पकड़ण्याची जी कारवाई जी आहे ती आपण कंप्लीट करण्यात आली आहे आणि त्या ठिकाणी त्यांना दंडात्मक कारवाई म्हणून आपण असेसमेंट आणि कंपाउंडिंग चार्जेस जे महावितरणच्या नियमानुसार त्यांना चार्ज करण्यात आले। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।